हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं और बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल की बजाय अब लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे, यानी पार्टी ने सैनी को नई सीट से चुनाव लड़ाने का दांव खेला है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च 2024 में जब राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ तब करनाल से तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विधायक थे। उन्होंने इस्तीफा दिया तो पार्टी ने सैनी को इस सीट से जून में उपचुनाव लड़ाया था। अब 3 महीने बाद सैनी नई सीट से चुनावी मैदान में दिखेंगे। हालांकि ये इलाका सैनी के लिए नया नहीं है, वे मुख्यमंत्री बनने से पहले कुरुक्षेत्रा से सांसद थे। लाडवा सीट भी कुरुक्षेत्रा संसदीय क्षेत्र में आती है। बताया जाता है कि नायब सिंह सैनी की जाट लैंड में मजबूत पकड़ मानी जाती है। वे ओबीसी नेता हैं। मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद करनाल सीट खाली हुई थी तो सैनी ने यहां से उपचुनाव लड़ा और कांग्रेस के सरदार त्रिलोचन सिंह को 41,483 वोटों के अंतर से हराया था। टिकट घोषणा से पहले सैनी खुद बार बार करनाल सीट से चुनाव लड़ने की बात दोहरा रहे थे। वहीं सीएम सैनी का कहना था कि प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली को मुझसे ज़्यादा जानकारी है, क्योंकि पार्लियामेंट बोर्ड के अंदर जिन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी उनके नाम केंद्रीय नेतृत्व को बताने का काम प्रदेश अध्यक्ष ने किया। फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है। अब जो भी निर्णय लिया जाएगा वो हमें स्वीकार होगा। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि उम्मीदवार नहीं सिर्फ कमल का निशान देखें। कुरुक्षेत्र को नायब सिंह सैनी का गृह क्षेत्र माना जाता है। यहां उनकी संगठन से लेकर इलाके में खासी पकड़ है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में एक तरह से सैनी की घर वापसी की है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सेफ खेल रही है, वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। विपक्ष का तर्क है कि सैनी 2009 और 2014 के विधानसभा चुनाव में नारायणगढ़ से चुनाव लड़े, 2009 में हार गए और 2014 में जीत हासिल की। बाद में खट्टर सरकार में मंत्री बनाए गए। जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो पार्टी ने नायब को कुरुक्षेत्रा से टिकट दिया। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी नारायणगढ़ सीट से चुनाव हार गई थी। माना जा रहा है कि पार्टी ने सैनी को इस बार विधानसभा चुनाव में अपने गृह क्षेत्र से उतारने के पीछे रणनीति के तहत निर्णय लिया है। कुरुक्षेत्र में सैनी का घर थानेसर इलाके में आता है। वो मूल रूप से अंबाला के रहने वाले हैं। सैनी के सामने नई चुनौतियां हैं, ना सिर्फ खुद जीत हासिल करना है बल्कि बीजेपी सरकार की हैट्रिक के लिए ताकत झोंकनी है। सैनी को 2023 में पार्टी ने हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उसके बाद 12 मार्च 2024 को पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर चौंका दिया। दिलचस्प बात यह है कि 10 साल के अंतराल में सैनी लगातार चौथी बार अलग सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सैनी ने 2014 में अंबाला की नारायणगढ़ सीट से जीत हासिल की थी। उसके बाद 2019 में वो कुरुक्षेत्रा से लोकसभा चुनाव लड़े और जीते। 2024 में सैनी करनाल सीट से विधानसभा उपचुनाव में उतरे और जीते। अब 3 महीने बाद वो फिर से नई सीट लाडवा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। देश और दुनिया की और भी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।